जय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है M2 सक्सेस 98 पर। और आज आपको देख रहा होगा, थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि टूर ऑफ इंडिया का नेक्स्ट स्टेट आ गया आपके पास। ठीक है, तो पहला स्टेट हमारा बिहार और यूपी खत्म हो चुका है। और उम्मीद है आपको क्लास देख के बेहतरीन से बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और एक बात बोल दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक होके उम्मीद है आप ज्वाइन होके उधर से PDF आप पा रहे हो, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बोल रहा हूँ उसका नोट्स भी बनाते चल रहे हो। ठीक है, तो हो गया, दो स्टेट घूम के आ गए, अब तीसरा स्टेट चलेंगे। आज का क्या पार्ट है? उत्तराखंड का स्टेट चलेंगे। ठीक है, तो चलते बिना देरी के उत्तराखंड को स्टार्ट करेंगे। तो आज का स्टेट हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड कंप्लीट होते होते आपके पास तीन स्टेट का टोटल डिटेल्स, हर स्टेट का डैम कब फॉर्म हुआ था, कौन CM है, कौन गवर्नर है, सब। और मैं आपको कोशिश करूंगा इस क्लास से अगर जितने भी हम टूर ऑफ इंडिया का स्टेट करवाएंगे उसमें से आपको थोड़ा अलग तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं, जैसे कि आज के क्लास में आपको पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, मैं क्लास करते थे बीच में मैं आपको एक बात बोलूंगा, तब से आप उस पार्ट को नोट करते चलना। आपको तो PDF मिल रहा है आपका हमारा चैनल पे, लेकिन आप वो पार्ट को नोट करते चलना, बिकॉज ऑफ आपका अपकमिंग एग्जाम कौन सा, SSC एंड रेलवे के लिए। क्योंकि ये पार्ट को आपको नोट करना पड़ेगा, इसलिए मैं नोट करने बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको PDF में हमारा 15-16 टॉपिक या 20-22 टॉपिक हो जाता है, उसमें से आपको इम्पोर्टेंट ढूंढना पड़ेगा। ऐसे सब डिटेल इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स पूछता है, मोस्ट ऑफ जैसे आपको पूछता है, क्या पूछता है आपको CM, गवर्नर पूछता है, ठीक है, फिर कैपिटल पूछता है, फिर डैम पूछता है, हाँ, तब पावर प्लांट पूछता है, फिर और क्या पूछता है, नेशनल पार्क पूछता है, ठीक है, इसी तरह का कुछ हम आपका टॉपिक लेंगे, जो कि हाँ GI टैग मोस्ट इम्पोर्टेंट, GI टैग पूछता है, ठीक है, और फॉग डैम्स पूछता है, ठीक है, इसी तरह का कुछ 7-8 टॉपिक हैं, जो कि हम आपको अलग ही तरीके से कुछ डिफरेंट वे में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड। तो आराम से बैठ जाइए पेन और पेपर पकड़ के, मैं जो पॉइंट बोलूंगा उस आपको नोट्स करते चलना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज उत्तराखंड। क्या है उत्तराखंड में देखते हैं, तो उम्मीद है आपको जो पिछला दो भी वीडियो था वो आपको क्लास अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और अब हर शिप का क्वेश्चन जो भी आता है अपकमिंग एग्जाम में उस टॉपिक को भी हम इधर कवर करवाएंगे, ठीक है, बिना टेंशन के क्लास देखिए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने जो भी आपके दोस्त है, जो भी पढ़ा सबको, आजकल तो सब कॉम्पिटेटिव के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो सबके साथ शेयर करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, शेयर करने से आपका मेहनत, हमारा मेहनत, सबका मेहनत एक साथ में आएगा, और वीडियो हम आपको अच्छे से अच्छे और भी कंटेंट में दे सके। और जो भी आपको डाउट लग रहा है कि हम कुछ पॉइंट छोड़ रहे हैं कुछ भी स्टेट का, हम तो लगभग हम सारे के सारे पॉइंट कवर करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई एक स्टेट का कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम छोड़ रहे हैं, तो आप कमेंट करिए, हमको बोलिए, हम वो पॉइंट को भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये मान लीजिए ये जो पार्ट ठीक है, जब मैं ग्राउंड कर रहा हूं, वो UK है, मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड है, मैं समझा दूंगा, थोड़ा ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया, क्या है इसका लोकेशन, ये पॉइंट है, मैं पॉइंट वाइज इसको आपको अच्छे से करवाऊंगा आपको कि क्या है ये लोकेशन, ठीक है, ये लोकेशन है, ये क्या लोकेशन है। देखिए, मैं आपको बोला था कि ये जो पॉइंट आउट हो रहा है
ये जो पॉइंट आउट है, ये पॉइंट में हमारा उत्तराखंड रहता है, उत्तराखंड का नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ये जो पार्ट है आपका हिमालय से, ये पार्ट आप अगर मैप भी देख रहे हो साइड में दिख रहा होगा मैप कि आपका ये जो रीजन है नॉर्थ एक नॉर्थ ईस्ट, ये पार्ट थोड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है क्योंकि उत्तराखंड में ना मतलब बहुत सारे दैविक भूमि है, हिंदुज्म का बहुत सारे भगवान पिलग्रिम्स बहुत तीर्थ स्थल इधर बहुत है, तो इसलिए एक क्या बोलते हैं अच्छा वाइब्स लाएगा और बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट भी है इसका, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है इसमें। और उत्तराखंड ना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मतलब जैसे कि उधर कम अप टू 65% फॉरेस्ट ही है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी ये सब बात इसको तो आगे हम जाएंगे, लेकिन नॉर्थ से देखिए नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट इधर ये पार्ट में हिमालय है, ठीक है। तो क्या है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना, तिब्बत कहां पे है देखिए, तिब्बत ये पार्ट पर है और ये नेपाल है, हम यूपी साइड कहते हैं, और साउथ पर यूपी आता है, ठीक है, और वेस्ट पर हिमाचल प्रदेश आता है, देख रहे हैं। तो ये पार्ट सब होता है, ये इसका लोकेशन है। अगर उत्तराखंड इस रीजन पे है, इसका नॉर्थ ईस्ट पे क्या तिब्बत है, इसका ईस्ट में नेपाल है और वेस्ट में यूपी सॉरी एचपी हिमाचल प्रदेश है, इसके पार्ट भी हम आएंगे, और यूपी तो आपको खत्म हो गया है, ठीक है। तो यूपी उसका साउथ में, ये है उसका लोकेशन कि कौन से लोकेशन में आपका उत्तराखंड रहता है, ठीक है। उम्मीद है ये समझ गए होंगे, और मैं ये आपको तीन क्लास से मैं आपको ये पॉइंट दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जानना है कौन से स्टेट का कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री टच कर रहा है। देखिए हम जितने स्टेट पहले बिहार की है, यूपी की है और क्या है अभी उत्तराखंड चल रहा, तो इन तीनों स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री थोड़ा टच कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये उत्तराखंड में बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ईस्ट में नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत है, और वेस्ट में हिमाचल प्रदेश, साउथ में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं, अभी इसमें हम कुछ फैक्ट जान लेते, ठीक है। क्या है कि उत्तराखंड फॉर्मली नोन एज द उत्तराखंड इज द स्टेट ऑफ इन नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया, ये कौन से पार्ट में, नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थन पार्ट, यूपी भी था ना, ठीक है। फिर और क्या बात बोलते हैं कि ये एक पॉइंट है, मैं पॉइंट मानता हूं ये नॉर्थन पार्ट है, और इसको क्या बोलते उत्तरांचल बोलते थे, उत्तरांचल बोलते हैं, ठीक है। अभी तो उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ पार्ट में है पर इसको उत्तरांचल बोलते हैं। फिर इट इज द सिचुएटेड बिटवीन, इसका जो लॉन्गिट्यूड या कौन से एंगल पे है, कौन से एंगल पे है, इसका एंगल है आपका क्या है कि 30.33 डिग्री नॉर्थ और 78.06 डिग्री ईस्ट पर, ठीक है। तो ये उसका सिचुएशन है, इस एंगल पर उत्तराखंड, ये जो एंगल है, ये एंगल पर 30.33 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 78.06 डिग्री ईस्ट, ये जो पॉइंट है, समझ रहे। तो ये तो कुछ बेसिक फैक्ट, मतलब लोकेशन कौन से लोकेशन पर है, और नॉर्थन पार्ट पर है ये, उत्तरांचल इसको बोलते थे पहले, अभी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट कि उत्तराखंड को हम क्या जानते हैं उसका, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पार्ट बहुत पूरा फिंगर जो आपके लिए लाए ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी हम आपका कम से कम जेंडर नॉलेज का आपको तो अभी सब करवा रहे हैं, अभी फिलहाल कुछ दिन से अप एंड डाउन चल रहा है, मैथ और आपका जीएस का जीके का रीजनिंग क्लास को आपको रोज मिल रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ना थोड़ा टाइम लगेगा, दीजिए अभी सब तो भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। उससे हम पहले मैं बोल दूं कि इस पार्ट में मैं आपको जो भी क्या होता है एग्जाम होता है ना आपके SSC रेलवे, उसमें जो भी 4-5 टॉपिक करंट अफेयर्स बोला जीके जीएस में जो आता है वो पार्ट भी मैं आपको कवर करवा दूंगा 5-6 पार्ट में, इस स्टेट के हिसाब से। इस स्टेट से हम स्टार्ट करेंगे, आगे जितने भी स्टेट पढ़ेंगे उसका जो आप जितना मेन फैक्ट रहेगा कि SSC रेलवे के लिए उसको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज नोन फॉर उत्तराखंड का हम किस वजह से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या है उत्तराखंड इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी ऑफ द हिमालय। मैं स्टार्ट करने से पहले में बोल दिया था कि उत्तराखंड बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। इट्स नोन फॉर द नेचुरल ब्यूटी इज नोन फॉर द इट्स
नेचुरल ब्यूटी ओके ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑफ हिमालय। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि उत्तराखंड इज ऑल्सो नोन एज द हेवन ऑफ द अर्थ। ये भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको, हेवन, हेवन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपोर्टेंट। देखिए, नेचुरल ब्यूटी ऑफ द हिमालय एंड हेवन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, दिस स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द देवभूमि। इसको मैं बोला था स्टार्टिंग से, मैं आपको बोला था देवभूमि, क्योंकि इधर बहुत हिंदुइज्म का बहुत तीर्थ स्थल है, बहुत इंपोर्टेंट है, हिंदू देवभूमि बोलते हैं। और लैंड ऑफ गॉड्स, लैंड ऑफ गॉड्स, ठीक है, तो देवभूमि अथवा लैंड ऑफ गॉड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर जाते हैं नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, ड्यू टू द मेनी हिंदू टेम्पल एंड द पिलग्रिम सेंटर। इसको देखिए, तीन पॉइंट में डिफाइन करता हूं। पहला पार्ट, नेचुरल ब्यूटी क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ नॉर्थ पार्ट में रहता है, और हमारा ऊपर नॉर्थ पार्ट में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, ये सब हिमालय का टच में आता है, हिमालय का टच में आता है। और एक पार्ट, इधर ईस्ट साइड में जो भी सात बहने हैं, उनको भी हम अलग से डिफरेंट वे में बेस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे सात बहनों का। ठीक है, इस सर क्वेश्चन भी आया था एनटीपीसी में कि सात बहनों में से कौन सा बहन, अभी चार पांच ऑप्शन था, सेवन सिस्टम कौन सा सिचुएटेड नहीं करता है। तो मैं आपको ये बोल दूं कि नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब हिमालय के पास में है, तो इसका नेचुरल ब्यूटी, ग्लेशियर आता है, बहुत सारे नदियां भी है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल ब्यूटी ऑफ हिमालय इसको बोलते हैं। और हेवन ऑफ द अर्थ, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। ठीक है, देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड्स, लैंड ऑफ गॉड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर हिंदुइज्म का बहुत सारे टेम्पल्स है, बहुत सारे पिलग्रिम्स है, तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि द देवभूमि और लैंड ऑफ गॉड्स। ठीक है, ये था कुछ नोन फॉर, क्यों हम उत्तराखंड को जानते हैं और उत्तराखंड क्यों इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो पहले हम लोकेशन सर किए, लोकेशन क्या है, 33.03 डिग्री एंड 70 नॉर्थ एंड 38.06 डिग्री ईस्ट पर है इसका सिचुएशन। इसका कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, तो आपको उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये नोन फॉर था। फिर चलेंगे हम, कितना पढ़ाऊंगा सिस्टमेटिक, आपको कौन सा इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर अभी चलते हैं, क्या क्या हो गया, लोकेशन हो गया भाई, लोकेशन हो गया, नॉन फॉर हो गया, अभी चलेंगे हिस्ट्री, उत्तराखंड का हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है, क्या है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में चलते हैं, क्या है इसका हिस्ट्री देते हैं। उत्तराखंड हुआ फॉर्म बाय द, हाँ मैं बोल दू, बिहार का फॉर्म हुआ था, बिहार का फॉर्म हुआ था 1936, यूपी का फॉर्म हुआ था 1937, ठीक है, अभी आया यूके, उत्तराखंड का फॉर्म हुआ था 2000 पर। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है कि उत्तराखंड वॉज फॉर्म बाय द उत्तर प्रदेश, क्या होता है, रीजनरेशन एक्ट 2000 विद द बिफुकेशन एंड द अर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश। अभी क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी दो भाग में द्विपक्षीय विभाजन हो गया था, अभी यूपी, यूपी द्विपक्षीय विभाजन हो गया था, एक यूपी हो गया था और एक यूके हो गया था, समझ रहे हो, द्विपक्षीय विभाजन हो गया था कब, कि 2000 क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन 2000 एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के बदलौत कि यूपी दो भाग में विभाजित हो गया था, एक था आपका यूपी और एक था आ गया यूके, समझ गए। तो उत्तराखंड वाज फॉर्म बाय द यूपी, उत्तराखंड इज द फॉर्म बाय द यूपी एंड यूके बाय द एक्ट ऑफ 2000 डिवीजन एक्ट। ठीक है, विद द विफुकेशन और अर्थ वेल, अति क्या होता है, द्विपक्षीय अतीत में, अतीत में ये जो लाइन है कि क्या लाइन है आपका, कि विफुकेशन, बिफुकेशन एंड एर्थवाइल, अतीत में, अतीत, अतीत में पास्ट, पास्ट में द्विपक्षीय डिवीजन। ठीक है, बाय द लॉ और बाय द एक्ट ऑफ 2000
reorganizations, bifurcation and eastern wide was divided by the state UP and its form UK and UP. क्या है कि जो ये तो 2000 एक्ट के बदल हुआ यूके और मतलब उत्तराखंड और हमारे यूपी फॉर्म हुआ था. ठीक है, अभी और क्या बोल रहे हैं चलते हैं देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ऑन द 9th November 2000 ये कब हुआ था 2009 नवंबर को. ये सब बहुत फैक्ट है, हम तो हमने बहुत सारे दोस्तों का जन्मदिन भी याद रख लेते हैं. ये तो हमारा 28 states का हम मतलब हमारे इंडिया का जन्मदिन कौन से स्टेट में कौन सा स्टेट कब उसका जन्मदिन हुआ तो उसको सब तो याद रखना पड़ेगा, हमारा राइट्स में है. ठीक है, और क्या होता है कि यूके इज द फॉर्म 27th state. ठीक है, ये 27th नंबर स्टेट हुआ था. ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, हाँ 27th state ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. नित्यानंद स्वामी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड. नित्यानंद स्वामी, इसको मिटा देता हूं, यानी कि नित्यानंद स्वामी फर्स्ट सीएम. ठीक है, फर्स्ट सीएम ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ यूके. ठीक है, नेम उत्तरांचल ड्यूरिंग हिज डेमोक्रेसी. तो उत्तरांचल में बोला था इनके ही टाइम पीरियड पर हम यूके को उत्तरांचल हम बोलते थे, यूसी. ठीक है, उत्तरांचल हम बोलते थे. ठीक है, तो ये कुछ थे कि हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री, कब फॉर्म हुआ था कि 2000 डिवीजन एक्ट के बदौलत यूपी और यूके दो स्टेट में डिवीजन हुआ था, समझ गए. और उत्तराखंड कब डिवीजन हुआ था 2009 नवंबर को, 9th November 2000 को डिवीजन हुआ था. और उत्तरांचल हम जो बोलते थे उत्तरांचल किसके बदौलत हुआ था और किसके टाइम पीरियड पर हुआ था, नित्यानंद स्वामी के फर्स्ट सीएम थे उत्तराखंड के, उनके बदौलत उत्तरांचल का नाम नामित किया गया था. ठीक है, अभी चलते हैं, हिस्ट्री हो गया, लोकेशन हो गया, नोन फॉर हो गया, हिस्ट्री हो गया, अभी चलेंगे किस पर. जो भी हमारे चैनल पर क्लास देख रहा है, 3 क्लास देख रहा है, हिस्ट्री के बाद क्या है, ऑब्वियसली ज्योग्राफी आएगा. चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ, क्या है ज्योग्राफी में, चलिए देखते हैं. दोस्तों मैं बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी डाउट है कि नहीं हम कौन से रीजन छोड़ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. आपके कमेंट को उतना मेहनत करके फिर से नेक्स्ट क्लास में ऐड करवाएंगे. ठीक है, तो चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ, क्या है ज्योग्राफी. उत्तराखंड हैज अ टोटल ज्योग्राफी एरिया ऑफ 53,483 किलोमीटर स्क्वायर. एरिया क्या है इसका, टोटल ज्योग्राफी एरिया 53,483 किलोमीटर स्क्वायर पर. ठीक है, ऑफ 86% माउंटेन. ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, एंड 65% इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट. 65% फॉरेस्ट. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, उत्तराखंड इज द टोटल ज्योग्राफी एरिया ऑफ द 53,483 किलोमीटर स्क्वायर. इन बिटवीन देम 86% इज माउंटेन एंड 65% इज फॉरेस्ट. ठीक है, ऑल क्लियर. अभी चलते हैं आगे. मोस्ट ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्टेट, बिकॉज ऑफ ये नॉर्थ पार्ट में सिचुएटेड करता है, उसका लोकेशन नॉर्थ पार्ट में है. तो क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द नॉर्थन पार्ट ये स्टेट का, मैं आपको दिया था ये जो पार्ट, ये नॉर्थन पार्ट क्या होता है कि नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्टेट आर पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय. देखो सपोज मान लो ये हमारा यूके है, इसका ये जो पार्ट में हिमालय आता है, ये पार्ट में हिमालय आता है. और हिमालय को 3-4 डिवीजन, अपर मिडिल एंड लोअर और पाथिन जो बोलते हैं, इस तरह का डिवीजन होता है हिमालय का. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ग्रेटर हिमालय, इट इज नॉर्थन पार्ट ऑफ द स्टेट आर पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय रेंज ऑल्सो नोन एज द हिमाद्री. दिस पार्ट नॉर्थन पार्ट ऑफ द यूके इज नोन एज व्हाट, हिमाद्री. समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थन पार्ट को क्या कहा जाता है और ये
क्या है, हायर हिमालय, सॉरी ग्रेटर हिमालय का पास से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या क्या समझ गए कि इसमें आपका हिस्ट्री कंप्लीटेड हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीटेड हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि बेसिक फैक्ट, यूके का बेसिक फैक्ट क्या है आपके सामने, ठीक है। तो ये आपको मैं बोल दूं कि एरिया है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर पर है, इसका 86% माउंटेन में कवर है और 65% फॉरेस्ट। बिकॉज ऑफ माउंटेन एंड फॉरेस्ट कोलाबोरेशन एंड द पार्ट ऑफ द व्हाट द हिमाद्री और हिमालय, दिस इज द सो ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया, ठीक है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पर, क्या होता कि उत्तराखंड का बेसिक फैक्ट हम जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी नोन फॉर द उत्तराखंड एंड लोकेशन हो गया था, अभी हम जानेंगे बेसिक फैक्ट। बेसिक फैक्ट क्या है उत्तराखंड का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या है कि फॉर्मेशन डेट, अभी तो हमको पता चल गया है कि बेसिक फैक्ट में क्या आया जाएगा, 9th November 2000, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी एक तरह का इंपोर्टेंट है, इसको तो आपको पीडीएफ में मिल जाए, लेकिन जो पार्ट आपका एसएससी रेलवे की रिगार्डिंग इंपोर्टेंट है, मैं आपको वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूंगा क्या हेडिंग देना है, आप किस तरह नोट्स बनाने हैं, उसको मैं सीरियल वाइज करवाऊंगा, आपको सीरियल वाइज करवाऊंगा, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। आपके पास कॉपी पेन पकड़ कर चले हो, उसको नोट करके रखना सेपरेट, आपको पीडीएफ मिल रहा है, पूरा का पूरा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको पीडीएफ मिल जा रहा है, पीडीएफ को पढ़ लो। लेकिन ये जो फैक्ट मैं बोलूंगा 8, 9, 10 पॉइंट, वो क्या होता है डायरेक्टली आता है, डायरेक्टली पूछता, घुमा के भी नहीं पूछता, डायरेक्टली पूछता है आपको क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। इसीलिए मैं आपको सेपरेटली करवा रहा हूं कि ये पार्ट को आप नोट बनाते चलिए, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं क्या है इसका, कि फॉर्मेशन हुआ था कब, 9th November 2000 को, ठीक है। अभी क्या है इसका कैपिटल, क्या है कैपिटल, ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको सबको याद रहा होगा, देहरादून, देहरादून इसका कैपिटल है, ठीक है। और क्या बोल रहे, हाँ, और जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में सबको पता होगा कि दो कैपिटल है इसका, एक जम्मू और एक कश्मीर, एक जम्मू और कश्मीर है, और मैं आपको बोल दू, हाँ, जैसे कि डेहराडून में आपको जम्मू, डेहराडून बोलो, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एक विंटर कैपिटल होता है और कश्मीर एक समर कैपिटल होता है, उसी हिसाब से ये जो यूके स्टेट जो भी दो डिवाइडेड किया, ठीक है, इसका दो पार्ट में पहला पार्ट क्या है, गढ़वाल, गढ़वाल और कुमान, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। और मैं बोल दे रहा हूं कि जो देहरादून है, देहरादून ये विंटर कैपिटल है, दिख रहा है विंटर कैपिटल है, और मैं आपको बोल दू समर कैपिटल है गुलसाइन, गुलसाइन क्या है, सॉरी गलरसाइन, ये है समर कैपिटल, ठीक है। दिख रहा है कि देहरादून आपका है विंटर और गलरसाइन है आपका समर, इसका दो डिवाइडेड है इस तरह का, ठीक है। और 9th November में ये फॉर्म आता, हो गया आपका खत्म। और एक बात, हाँ, और एक पॉइंट है इसका, क्या बोलते हैं कि क्या है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एज ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार, ठीक है। और ट्राइबल, जो ट्राइबल्स होते हैं आदिवासी, मूल आदिवासी बोलते हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं कि देहरादून है, उसी के हिसाब से ट्राइब के हिसाब से, ट्राइब के हिसाब से देहरादून है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक फैक्ट, क्यों जानते हैं, देख लो अभी तक ये हो गया, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसके बाद से जो आएगा, देखो मैं बोल दे रहा हूं, इसके बाद से जो आएगा इसका नोट्स बनाते चलना भाई,
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेहतर इन हर क्वेश्चन का कैसे आप याद रखोगे, क्या करोगे सब मैं बोलूंगा। देखो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कि लोकेशन, लोकेशन हो गया ठीक है, बेसिक नोन फॉर हो गया, नोन फॉर हिस्ट्री, जियोग्राफी ठीक है, फिर आ गया आपका बेसिक फैक्ट ठीक है। अब तक हम ये पांचों पार्ट जो कि एक स्टेट का इंपोर्टेंट रहता है और इंट्रोडक्शन पार्ट हम बोल सकते हैं ठीक है, कि इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे बोलेंगे कि भाई किस लोकेशन पर है इसका नोन फॉर, इसलिए हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड को हम जानते हैं, हमारे देश में उत्तराखंड को किस वजह से जानते हैं ठीक है, हिस्ट्री उत्तराखंड का हिस्ट्री क्या है, किस लिए उत्तराखंड है और इतना फेमस क्यों है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी उसका लोकेशन कौन सा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में है, और बेसिक फैक्ट, बेसिक फैक्ट मतलब किस लिए हम उसको जानना चाहते हैं, बेसिक फैक्ट क्या क्या फैक्ट है जो कि हमारा एग्जाम्पल, ये हम आप क्यों पढ़ रहे हो, ये आप क्यों पढ़ रहे हो, नॉलेज के लिए, नॉलेज रहेगा तभी तो जाकर आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे ना, तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो उसका नॉलेज, हम उत्तराखंड को किस नॉलेज के वजह से हम याद रख रहे हैं, समझ रहे हो, तो उसी हिसाब से हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी से जो पार्ट होगा, अभी से मैं आपको जो स्टार्ट करवाऊंगा वो इंपोर्टेंट पार्ट है, वो आपका इंपोर्टेंट पार्ट है एज फॉर दी एग्जाम आपका एसएससी एंड रेलवे ठीक है। तो उसको आप ऐसे हेडिंग दे सकते हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर एसएससी एंड रेलवे हो गया। तो अभी स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है आपका पहला, तो पहला आता है आपका क्या गवर्नर, आपका क्या आता है गवर्नर, पहला गवर्नर यू मतलब उत्तराखंड का पहला गवर्नर कौन थे, श्री सुरजीत सिंह बर्दल, सुरजीत सिंह बर्दल थे। अभी प्रेजेंट में कौन है, बेबी रानी मौर्य, अभी अभी फिलहाल है गवर्नर बेबी रानी, मुझे दिख रहा होगा बेबी रानी मौर्य हो गया, प्रेजेंट में अभी फिलहाल है गवर्नर, आगे आने वाले क्वेश्चन सॉरी आगे आने वाले एग्जाम पर बहुत सारे इस तरह का क्वेश्चन आता है, हर एक स्टेट का गवर्नर सीएम चीफ जस्टिस पूछ लेता है ठीक है। तो अभी है कि गवर्नर है कौन, बेबी रानी मौर्य है। अभी चलेगा सीएम पर, पहला सीएम कौन थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर से नित्यानंद स्वामी, जिनके टाइम पर क्या हुआ था, जिनके टाइम पर क्या हुआ था कि उत्तराखंड को हम उत्तरांचल के हिसाब से जानते थे ठीक है। तो पहला कौन थे, नित्यानंद स्वामी। अभी कौन है, अभी कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत ठीक है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है अभी के। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या आ जाएगा, चीफ जस्टिस, क्या है चीफ जस्टिस, पहला चीफ जस्टिस कौन थे, जो पहला चीफ जस्टिस थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अशोक ए देसाई, अशोक देसाई हम बोल सकते हैं, अशोक देसाई। अभी के चीफ मिनिस्टर कौन है, रमेश रंगनाथन, रमेश क्या है, रमेश रंगनाथन रमेश रंगनाथन ये तीन पॉइंट। और एक बात, और एक बात और क्या है आपका कि लोकसभा सीट पांच है और राज्यसभा सीट आपका तीन है ठीक। ये आपका करंट अफेयर्स में या जीके जीएस में एक क्वेश्चन एक नंबर लेता है आपका, एक मार्क दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। तो आपको लिख रहा हूं कि ये आपका एक मार्क लेता है, ये जो ये पार्ट एक मार्क लेकर देके जाएगा आपको, ये एक मार्क आपको देके जाएगा कि क्या है, गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य, सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो पहले थे उसको आप याद रख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको कुछ भी करो
रट लो, लिख लो, याद रख लो। मैं ये खत्म होता होते मैं आपको दो चार बार दस बार बोल दूंगा कि बेबीलाल ने मोर है गवर्नर, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और चीफ जस्टिस है रमेश रामलिंगन, लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, ठीक है। तो ये आपको एक मार्क जरूर देगा आपको एग्जाम में। ये इस क्वेश्चन आएगा नहीं, ये जो टॉपिक है गवर्नर सीएम और लोकसभा राज्यसभा सीट, ये चारों टॉपिक आपको एक नंबर जरूर देगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट बेसिक फैक्ट पर। क्या है आपका नेक्स्ट बेसिक फैक्ट? तो चलिए इसका भी कुछ और टॉपिक है, इंपोर्टेंट नहीं ले सकते, बस आप जान लो क्या है इसका इंपोर्टेंट टॉपिक। जानते हैं इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, इसका गवर्नमेंट है ना, जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका गवर्नमेंट का क्या है कि लोग मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, इसको लिखना पड़े बोल देता हूं, हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश है। और इसका पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, 1,86,292 इतना है इसका पॉपुलेशन। और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, 189 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर पर इतने लोग रहते हैं भाई। देख लो 85% इसका माउंटेन पर है, 65% फॉरेस्ट है, फिर भी डेंसिटी देख रहे हो, समझ रहे हो ना हमारा पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है। फिर क्या बोलते हैं कि एरिया है 19,739 स्क्वायर माइल्स, ठीक है। तो ये थे कुछ क्या बोलते हैं बेसिक फैक्ट, इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ दी आपका रेलवे एंड एसएससी के लिए, उसी हिसाब से आपका था। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पर। नेक्स्ट आपका क्या है इंपोर्टेंट फैक्ट, ठीक है, आपका नेक्स्ट फैक्ट है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ और क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड से बहुत रिलेटेड है, क्योंकि इसका 65% समझ रहे हो, उसका पूरा का पूरा क्या है कि 65% इसका फॉरेस्ट है, तो इसीलिए फॉरेस्ट का इधर भी एक बहुत बढ़िया मूवमेंट हुआ था, इसी पार्ट में आपको बोलूंगा, ठीक है। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके, आप इसको इंपोर्टेंट पॉइंट भी दे दो। इसका जो है मस्क डियर, मस्क डियर जो है इसका स्टेट एनिमल है, आपका स्टेट एनिमल यूके का मस्क डियर होता है। तो क्या है आपका पहला अशोक मस्क डियर, अशोक मस्क डियर, ठीक है, ये क्या है सेंचुरी है। इट इज द लोकेटेड 54 किलोमीटर फ्रॉम द पिथौरागढ़ नियर अशोक इन उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया, 54 किलोमीटर। मैं आपको डिटेल में बोल दे रहा हूं और कौन से है मैं आपको पॉइंट आउट करके बोल रहा हूं, ठीक है। तो अभी आप ये सब इसका फैक्ट तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, बस मैं आपको रीडिंग करके पढ़ा रहा हूं कि बोल रहा हूं कि क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो क्या है इसका, इट इज द लोकेटेड 54 किलोमीटर फ्रॉम द पिथौरागढ़ नियर अशोक इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट। तो अशोक ये डिस्ट्रिक्ट का 54 किलोमीटर में ये सिचुएटेड है, हो गया। फिर चलते हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ, बिनसर सेकंड है आपका, बिनसर, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या है, अल्मोरा, ये अल्मोरा डिस्ट्रिक्ट पर है। फिर चलते हैं गोविंद पशु विहार, क्या है आपका थर्ड में, गोविंद, गोविंद पशु विहार, ठीक है, गोविंद पशु विहार, ये क्या है उत्कर्षित डिस्ट्रिक्ट पर है। मैं आपको सबका स्टेट लिखता हूं, ये अशोक है, फिर बिनसर है, अल्मोरा, अल्मोरा ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये है आपका कहां पर उत्कर्षित, उत्कर्षित पर। फिर चलते हैं केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फोर्थ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, लिख लो इसको, नोट्स करके लिखो, केदारनाथ
तो पूरा लगेगा केदारनाथ क्वेलर सेंचुरी, ये कहां पर है? केदारनाथ मस्त डियर सेंचुरी अल्टर अल्टर नेम, ये इसका अल्टर नेम होता है, कहां पे है? चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट पर है। फिर आता है नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन, नैना देवी फिफ्थ पर है। ठीक है, साइड में पिक्चर भी दिख रहा होगा, एक एक का पिक्चर में दिखा रहा हूं आपका, गोविंद पास बिहार, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अशोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस किस एनिमल को लेकर हो रहा है, मैं आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, तो दिमाग में रह जाना चाहिए भाई लोग। बहुत मुश्किल से ये पार्ट हम करवा रहे हैं, क्योंकि देखो आपको पूरा कर देने से आपका आप देख लोगे, आप मजा रह करके लिख लोगे, लेकिन एक ही गोली में दो शिकार करना है हमको। यह हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है या जो भी हम इम्पोर्टेंट पार्ट ले रहे हैं, आपको टूर ऑफ इंडिया हर एक स्टेट का ईच डिटेल आपको दे रहे हैं, उसी के हिसाब से थोड़ा सा और एफर्ट कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। क्या कर रहे हैं कि आपको हम चुन के दे दे रहे हैं, ये पार्ट इम्पोर्टेंट है आपका, बिकॉज ऑफ आपका एसएससी एंड रेलवे के लिए ये पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है। सीधा सा बात है, क्लास देखो, इसका नोट्स बना लो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम ले लो, बस पढ़ो, खत्म, पूरा खत्म। ये इतना से ही काम करना है आपको, क्लास देखना है, नोट्स बनाना है, और जरूरतमंद लोग जैसे कि आपके दोस्त लोग है जिसको आता नहीं है, जो उसके पास नॉलेजेबल है गेन करने के लिए लेकिन उसका सोर्सेस नहीं है, उसको थोड़ा सा शेयर कर दो, थोड़ा सा ही शेयर कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो चलते हैं नैना देवी, क्या है नैना देवी नेशनल पार्क पर, ये कहां पर है? ये कहां पर है? नैनताला, नैनताला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर आता है नंदौर, फिर आता है नंदौर, नंदौर ये कौन सा है? तेराई आर्क लैंडस्केप, तेराई तेराई, ये हो गया आपका ठीक है। तो ये थे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मैं आपको बोल दूं अगर वाइल्ड लाइफ है नेशनल पार्क है तो फॉरेस्ट होगा, तो इसका एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट मैं आपका फॉरेस्ट में ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे कि फॉरेस्ट क्यों, फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे रीजनिंग का, अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे रीजनिंग में मैं आपको इकोनॉमी वाला एक जो अभी जो चल रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन मर्जिंग पीरियड क्लास टू पार्ट टू का मैं एक क्वेश्चन करवाया था फॉरेस्ट क्यों इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो उसके भी रिलेटेड है, तो जान लेते हैं इसका थोड़ा सा फैक्ट क्या है कि ये फैक्ट है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट क्या बोल रहे हैं, उत्तराखंड इज द रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेस, फॉरेस्ट का जो संबल है, संबल जो उसका रिसोर्सेस मिलता है उसमें ये बहुत अमीर है, अमीर मतलब पैसावार नहीं, तो अच्छा क्लाइमेट है, उसका क्लाइमेट बहुत ब्यूटीफुल रहता है। ठीक है, तो रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेस, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया द स्टेट इज 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर, इसका जो एरिया है, इसका जो फॉरेस्ट का एरिया है, फॉरेस्ट का एरिया है 38,000 किलोमीटर पर है। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहे हैं, ऑफ विच 26,547 स्क्वायर किलोमीटर इज रिजर्व, क्या है, क्या क्या है, 26,547 स्क्वायर किलोमीटर इज रिजर्व, ये गवर्नमेंट का है। ठीक है, एंड 9,885 स्क्वायर किलोमीटर इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, 9,885 स्क्वायर किलोमीटर इज प्रोटेक्टेड, बिना मंजूरी के इसी के अंदर एक पत्ता भी आप ले नहीं सकते, प्रोटेक्टेड है ये दो का। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड द 1,568 स्क्वायर किलोमीटर इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अभी 1,568 स्क्वायर किलोमीटर जो लोकल अनक्लास्ड है। ठीक है, और अभी इसका जो फॉरेस्ट क्यों इसका इंपोर्टेंट है मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपको याद है, इसको भी आप लिख लो, ये बहुत इंपोर्टेंट है, लिख लो। और इसका जो फॉरेस्ट है ना, डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स, डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स कि क्या है, कि है अल्पाइन मीडो,
अल्प एंड मिडो ये एक्सट्रीमली नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ एंड टेम्परेट फॉरेस्ट ग्रेटर हिमालय फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लेसर हिमालय ठीक है और थ्रोन फॉरेस्ट शिवालिक रेंज में हो गया। तो ये चारों में आपका फॉरेस्ट डिवाइडेड है और ये तो हो गया फॉरेस्ट का पार्ट। तो मैं आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉरेस्ट में, इसलिए तुरंत में आपको इम्पोर्टेंट देते टाइम ही आपको आंसर डालते हैं क्योंकि भाई इम्पोर्टेंट बोलने से आप लोगों का ना आंख साफ हो जाता है, बहुत चमक जाता है। तो इसीलिए तो फॉरेस्ट के हिसाब से एक है आपका कि क्या है चिपको मोमेंट। चिपको मोमेंट पता होगा आपको, चिपको मोमेंट, चिपको मोमेंट कहां पे स्टार्ट होता था, चिपको मोमेंट कहां पे स्टार्ट होता है किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर करिएगा। इधर हम बोलेंगे कि चिपको मोमेंट स्टार्ट होता 1970 पर स्टार्ट हुआ था, कहां पे स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड के जिले डिस्ट्रिक्ट पर स्टार्ट हुआ, सॉरी उत्तराखंड के स्टेट में स्टार्ट हुआ था चिपको मोमेंट। क्या है चिपको मोमेंट? चिपको मोमेंट, चिपको मोमेंट 1970 में स्टार्ट हुआ था ठीक है, 1970 में स्टार्ट हुआ था। तो ये किसने हुआ था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन करिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हुआ था और इसका सूत्रधार मतलब जो लीडर थे उसका उनका नाम क्या है? गौरा देवी। उनका नाम गौरा देवी है ठीक है। देन मैं आपको बोल रहा हूं कि गौरा देवी वाज द मेन एक्टिविस्ट फॉर द चिपको मूवमेंट एंड द अदर जो उनका क्या है उनका सहपाठी थे, उनके दोस्त लोग थे, पोइटर थे, उनका नाम भी है चंडी प्रसाद भट्ट सुद्रेला बलगुना एंड घनश्याम रातुरी वाज द पॉपुलर चिपको पोएट। ये था आपका फॉरेस्ट का इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि मैं आपको बोला था ठीक है। अभी चलते हैं आपका पुराना स्टेट पर, जैसे कि मैं आपको बोला था कि इंपोर्टेंट मैं बोल रहा था ये फॉरेस्ट का भी इंपोर्टेंट है। चलिए चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर ठीक है। तो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म हुआ था, फॉरेस्ट खत्म हो गया, अभी चलेंगे किस पर? नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ठीक है। ये भी पूछता है, ये कम से कम हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इसका आता है नेशनल पार्क ठीक है। नेशनल पार्क किसको बोल देते हैं, कहां कहां पे है वो चलते हैं। क्या बोलता है नेशनल पार्क? पहला है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क क्या है? उत्कल सिंह डिस्ट्रिक्ट पर है गोविंद पशु विहार। भाई मैं बोल रहा हूं ये टूर ऑफ इंडिया में आपको जीके जीएस का जो 10 से 7 8 पार्ट नेक्स्ट आने वाले स्टेट में हम देंगे ना, एक नोट्स बना के चलो, एक नोट्स बनाते चलो भाई। इसके अलावा एग्जाम में नेशनल पार्क इसके अलावा और कहां से आएगा आपको? पूरा का पूरा स्टेट का, ईच एंड एवरी स्टेट का नेशनल पार्क हम दे रहे हैं, उसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रहे हैं, उसका रिवर सिस्टम आपको दे रहे हैं, उसका डैम्स कितना है, कितना पावर प्लांट है, हर एक स्टेट का हम दे रहे हैं। उसके अलावा आपको क्वेश्चन कहां से आएगा? अमेरिका का पूछेगा क्या? नहीं ना। तो इंडिया का जितना भी आपको नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितना डैम सब कुछ हमको दे रहे हैं, बस आप इतना काम करो, वीडियो देखो जो मैं हम बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो, नोट्स बनाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। भाई मैं बोल रहा हूँ पहले भी आपको बोला था भाई बात सुनना है तो पूरा बात सुनो, पूरा बात, आधा अधूरा बात सुनकर किसका हुआ नहीं है ठीक है। तो ये भी सेम डिस्ट्रिक्ट पर है। फिर आता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट एनपी मतलब नेशनल पार्क ठीक है। ये कौन से? नैनीताल पर है,
ये है नयनताला, ठीक है। हाँ, इसका है ओल्डेस्ट नक्षत्र, ये सबसे पुराना है, इसका एक है ये सबसे पुराना है, ठीक है। फिर आया नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये कौन से है, चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट पर है, हो गया। कि राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी एन पार्क मतलब नेशनल पार्क, हरिद्वार, ठीक है। फिर आता है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, ये एक क्या बोलते हैं, भी एडेड है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर यूनेस्को हेरिटेज में भी एडेड है, वो भी एक इंपोर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया में उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट का कौन सा वैली, कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को के हेरिटेज में एस्टेब्लिश है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर की है नॉर्थन चमोली पर, ये स्टेट पर, ठीक है। ये आपका नेशनल पार्क था, मैं आपको बोल दिया, साइड में पिक्चर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक क्या बोल सकते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, नेशनल पार्क। क्योंकि देखो भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, उम्मीद है आपको ये नोट्स बना दिया होगा, साइड में दिख रहा होगा, ये गंगोत्री नेशनल पार्क पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट पर है, पिक्चर भी दिख रहा होगा क्या का क्या, कौन से डिस्ट्रिक्ट पर है, क्या है इसका, कौन से जानवर के हिसाब से होता है, ठीक है। कभी चलते हैं, मैं आपको क्या बोल रहा था, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिंक करो अपना, अगर आप बोलोगे कि पूरा का पूरा स्टेट, पूरा का पूरा हम याद रखेंगे, आप कैसे रखोगे, मैं आपको बोला था, देखो क्या होता है ना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का रिलेटेड क्या होता है, अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ रहता है, वाइल्ड लाइफ में ज्यादा जानवर रहने से हमको क्या होता है, वो आ जाता है नेशनल पार्क पर, ठीक है। नेशनल पार्क आ जाता है, उसका मतलब फॉर्मेशन डेट भी आ जाता है, ऐसे सब आ जाते हैं। अभी देखो ये तीनों इंपोर्टेंट पार्ट है, अभी मैं आपको नेक्स्ट बोलूंगा कि रिवर, रिवर मेन है, रिवर होने से क्या होगा, डैम होगा, डैम होने से इलेक्ट्रिसिटी आएगा, सप्लाई होगा, मतलब थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। फिर हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट हो जाए, समझ रहे, देखो मैं आपको क्या लिंक करवा रहा हूं, कैसे आप याद रखोगे कम से कम टाइम पर, कि भाई आपको फॉरेस्ट याद रखना है, फॉरेस्ट बहुत इजी हिसाब से, बहुत मतलब शॉर्ट कॉन में से पूछते हैं, लेकिन रिवर सिस्टम, उसके बाद डैम, उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, ये पार्ट है, तो आपको इसी हिसाब से याद रखना पड़ेगा, इसी हिसाब से मैं आगे आने वाले जितने भी स्टेट्स हैं आपको करवाऊंगा, समझ गए। तो अभी हमारा पहला पार्ट कंप्लीटेड हो चुका है, मतलब फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। अभी दूसरा पार्ट है क्या, कि रिवर बोलूंगा, उसके बाद डैम, हाइड्रो थर्मल प्लांट एंड हाइड्रो थर्मल प्लांट, ठीक है। तो अभी चलते हैं, कंप्लीट करिएगा, क्लास लंबा जा रहा है मालूम है, क्योंकि आधे घंटे में आपको पूरा का पूरा स्टेट का कोई भी डिटेल नहीं दे सकते, ठीक है, आधे घंटे में हम आपको पूरा का पूरा डिटेल हम नहीं दे सकते, क्लास देखिए, बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, तो क्लास देखिए, शेयर करिए, ठीक है। तो टू ऑफ द इंडियन ग्रेटर, अभी इंडिया का सबसे बड़ा नदी, सबसे बड़ा नदी और पवित्र नदी किसको मानते हैं, गंगा और यमुना, ये दो नदी उत्तराखंड से निकले हैं, कि क्या बोल रहे हैं, टू ऑफ द इंडिया ग्रेटर रिवर सिस्टम द गंगा एंड द यमुना टेक पार्ट इन द ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड, यूके में इन्वॉल्व हुए हैं, निकले हैं। तो इसमें रिवर क्या क्या है, गंगा हो गया, यमुना हो गया, भागीरथी, हो गया अलकानंदा, हो गया, फिर आएगा गंगा को, आ गया राम गंगा, हो गया, फिर आया काली गंगा, हो गया आपका रिवर सिस्टम, हो गया, हो गया आपका खत्म, आपका रिवर सिस्टम, यहां पे इतना ही नदी होता है,
अभी हम रिवर हो गया, रिवर के बाद हमको डैम जाना है, हमको कहां जाना है, डैम जाना है। अभी चलेगा वो इंपोर्टेंट पार्ट है, वो इंपोर्टेंट पार्ट है कि डैम आपका हर एक सीट में पूछता है कि डैम कौन सा है। अभी मैं आपको हर एक उत्तराखंड में जितने भी डैम्स है, इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट लेकर छोटे से लेकर बड़ा तक, मैं आपको हर एक डैम के बारे में बोलूंगा। हो गया, आप समझ गए कि हमारा टॉपिक क्या, हमारा प्लान क्या है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड थर्ड क्या आता है हमारा, क्या आता है नेशनल पार्क। अभी नेक्स्ट आ गया रिवर सिस्टम, डैम एंड थर्मल पावर प्लांट के तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आपका रिवर हो गया, अभी चलेंगे डैम के तरफ। क्या है डैम, कि कौन सा डैम बोल रहा है, थेरी डैम। ये एग्जाम में भी आया होगा, आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीवियस क्वेश्चन सेट भी मार रहे होगे, तो इसमें थेरी डैम बहुत बार जिक्र किया गया है, क्वेश्चन में आया है। ठीक है, तो क्या है थेरी डैम, इसके बारे में जानते हैं क्या है। थेरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन द इंडिया एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट डैम है मान के चलो, और इंपोर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, थेरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड वर्ल्ड ऑल्सो। हो गया, फिर इट इज ए मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फिल एम्बोकमेंट डैम ऑन द भागीरथी रिवर नियर द थेरी इन उत्तराखंड इंडिया। ये कौन से रिवर पर है, भागीरथ। हो गया, फिर चलते हैं इचारी डैम, इचारी डैम क्या कहते हैं, इचारी डैम इज ए कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम ऑन द टॉन्स रिवर एंड 13 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द डोक पठार इन उत्तराखंड। अभी ये कौन सा रिवर पर है, टॉन्स रिवर, और 13 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द डोक पठार, 13 किलोमीटर नॉर्थ डोक पठार के हिसाब से। ठीक है, फिर चलते हैं धौली गंगा डैम, धौली गंगा डैम क्या है, तो धौली गंगा डैम इज अ कॉन्क्रीट फेस रॉक एंड अर्थ फील्ड एम्बैकमेंट डैम ऑन द धौली गंगा रिवर। ये इसी रिवर के ऊपर है। ठीक है, फिर चलते राम गंगा, इसको मिटाता हूं, साइड में आपको पिक्चर आ रहा होगा, साइड में आपको पिक्चर आ रहा होगा हर एक डैम का। क्या है आपका राम गंगा, द रामगंगा डैम ऑल्सो नोन एज द कलघर डैम, कलाघर डैम, ये ऑल्सो नोन एज क्या है कि कलाघर, कलाघर डैम। ओके, इज ऑन द एम्बैकमेंट डैम ऑन द रामगंगा रिवर, किसके ऊपर है, रामगंगा, अपस्ट्रीम ऑफ द कलघर इन पौरी गलवर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड इंडिया। इट इज द लोकेटेड विद द जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये और एक इंपोर्टेंट आ गया कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क पर। हो गया, फिर आया विष्णुगढ़ पिपाली कोटी, विष्णुगढ़ ये कौन सा है, भागीरथी के ऊपर है। हो गया, फिर पाला डैम, ये सेम भागीरथी के ऊपर है। फिर नानक सागर, देवघर रिवर, ठीक है, हो गया। तो ये थे आपका रिवर और उसका डैम, उसके बाद हम क्या चलेंगे, उसके बाद हमको चलना है कि कौन सा पावर प्लांट के ऊपर, पावर प्लांट कौन सा है, क्या क्या इंपोर्टेंट है। ये पार्ट जो मैं आपको बोला कि रिवर सिस्टम जो डैम, ये इंपोर्टेंट है भाई, ये इंपोर्टेंट है, मैं इसलिए बोला हूं कि एक साथ करवाऊंगा, तो अच्छे से देखो, अच्छे से आपको नोट्स बनाओ। ठीक है।
ठीक है। आगे आपका पावर प्लांट, क्या पावर प्लांट है देखते हैं, गालोगी हाइड्रो पावर प्लांट, साइड पिक्चर आ रहा होगा, गालोगी हाइड्रो पावर प्लांट देहरादून में है, देहरादून, देहरादून में है। फिर आया धूली गंगा हाइड्रो पावर प्लांट, धूली गंगा हाइड्रो पावर प्लांट कहां पे है, पिथौरागढ़, साइड में पिक्चर आ रहा है, ठीक है। फिर आया सोदा हाइड्रो पावर प्लांट, सॉरी सॉरी सोबला, सोबला हाइड्रो पावर प्लांट। फिर आया तेरी डैम हाइड्रो पावर प्लांट, कहां पर है, तेरी पर हो गया, तो पावर प्लांट आपका हो गया, ठीक है। फिर अभी चलते हैं और एक इंपोर्टेंट पार्ट पर, क्या है आपका, मैं आपको बोला था यूनेस्को, यूनेस्को हेरिटेज साइट, यूनेस्को हेरिटेज साइट आपका, ठीक है। यूनेस्को हेरिटेज साइट क्या है, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, मैं आपको बोला था कि जो फ्लावर नेशनल पार्क है वो एक हेरिटेज मतलब यूनेस्को हेरिटेज साइट पर है। क्या है उसका लोकेशन, है गढ़वाल हिमालय ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, इट वाज इंस्क्राइब्ड अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन 1988, इस साल में यूनेस्को के द्वारा ये जो फ्लावर प्लांट है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट, जीआई टैग एंड द इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स के तरफ, जीआई टैग भी इसका एक ही है, जीआई टैग भी इसका एक ही है, जीआई टैग क्या है, जीआई टैग उत्तराखंड तेजपथ यूके तेजपथ, ये एक ही है उसका जीआई टैग, ठीक है। तो अभी चलेंगे क्या इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स देखो मोनूमेंट्स क्या है इसमें वो देखना है कि पहले देखते हैं। फिर आया बद्रीनाथ ग्रुप ऑफ टेंपल, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो गया। फिर आया क्या सूर्य टेंपल, सूर्य टेंपल। फिर आया रुद्रनाथ टेंपल, ठीक है रुद्रनाथ टेंपल, रुद्रनाथ चमोली डिस्ट्रिक्ट पर है। फिर आया महासु देवता टेंपल, महासु देवता टेंपल। फिर आया द इंस्क्राइब्ड रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, ये इंपोर्टेंट है, अशोका क्या है, इंस्क्राइब्ड रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका कहां पर है, कालची देहरादून डिस्ट्रिक्ट पर है। फिर है सीतारानी टेम्पल एट जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। फिर आया बिजनाथ टेम्पल, ये हो गया इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स, इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स। यहां पे आपका जो मैं आपको बोल रहा था कि इंपोर्टेंट फैक्ट में बोला हूं आठ नौ कम से कम हम दस दस से बारह बारह इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि आपका एसएससी लेवल में पूछते उसका कंप्लीट कर चुके हैं, उम्मीद है आप नोट बना भी लिए होंगे और उसको अच्छे से पढ़ो एग्जाम टाइम पर। देखो मैं आपके लिए टूर ऑफ इंडिया क्यों लाए कि आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही वीडियो देख लो पेशेंसफुली, और उसमें से मैं आपको डिवाइड भी कर दे रहा हूं कि ऐसे रेलवे पार्ट में कौन से इंपोर्टेंट पार्ट है आपको आएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से ना आप एक ही वीडियो में सारा का सारा डिटेल पा सकता है हर कोई स्टेट का, किसी भी स्टेट का, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एसएससी रेलवे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट पूछता है, तो बाकी चलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट हम मुझे छोड़ दिए थे, तो चलते हैं वो सब पार्ट पर। क्या हम छोड़े थे कि जो है यूके का, यूके का स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल क्या है आपका मस्क डियर, मैं आपको बोला था स्टेट डियर है आपका मस्क डियर। फिर बाढ़ हिमालयन मोनाल, आपको पिक्चर भी आ रहा है हिमालयन मोनाल। फिर आया
नेशनल फ्लावर ब्रह्म कमल आपका नेशनल फ्लावर में आता है, और स्टेट फ्लावर, स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, और आया स्टेट ट्री के हिसाब से बुरंस आपका आ गया स्टेट ट्री। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्या है और कौन सा टॉपिक है आपका। ये आ गया आपका इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वाटरफॉल्स। वाटरफॉल क्या है, केम्प्टी फॉल, केम्प्टी नाम लिख रहा हूं, केम्प्टी फॉल, मोसी फॉल, ठीक है, फिर आया भट्टा फॉल, फिर आया टाइगर फॉल, फिर झरी पानी, ठीक है, ये कुछ आपका जो वाटरफॉल है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्या है आपका उत्तराखंड, पीक ऑफ द उत्तराखंड पर। ठीक है, चलते हैं क्या है कि पीक ऑफ द उत्तराखंड पर क्या है आपका, पीक ऑफ द उत्तराखंड का पहला आपका आता है नंद देवी। नंद देवी उसका क्या डिटेल है, नंद देवी इज द हाईएस्ट माउंटेन इन उत्तराखंड, ये हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन इन द उत्तराखंड एंड द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, और इन इंडिया में सेकंड प्लेस से है। ठीक है, और इसका हाइट क्या है, 7,816 मीटर। फिर आया कुमन हिमालय विथ 25,646 फीट ऑफ द नंद देवी द हाइस्ट पीक ऑफ द रेंज, ये है हाइस्ट पीक इसका ही ऑफ रेंज। ओके, फिर क्या है कोमेट, फिर आता है कोमेट क्या है, कोमेट इज द सेकेंड हाइस्ट माउंटेन इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, ये है सेकेंड। फिर इट लाइज इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट, हाइट कितना है 7,756 मीटर। फिर आया सुनंदा देवी क्या है, सुनंदा देवी इज द थर्ड हाइस्ट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है, इट प्रेजेंट इन द नंद देवी डिस्ट्रिक्ट, हाइट इसका कितना है 7,434 मीटर। हो गया आपका हाईएस्ट पीक। चलते हैं फेमस डांस पर, अभी चलते हैं फेमस डांस आपका यूके का, उत्तराखंड का फेमस डांस क्या क्या है, चलते हैं उस पर फेमस डांस क्या है आपका। फिर फेमस डांस है इंपोर्टेंट जो कि बहुत सारे कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, क्या है बरदा नाती बरदा नाती, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। फिर आया लंगवीर नृत्य, लंगवीर नृत्य, फिर आया पांडव नृत्य, ठीक है, ये तीन चार कुछ इंपोर्टेंट फोक डांस है। तो अभी चलते हैं और दो तीन पॉइंट है आपका ये सेशन खत्म करने के लिए, तो उसमें से हम चलते हैं कि यूपी का भी हम इंपोर्टेंट सिटीज कुछ पढ़े थे, ठीक है, इंपोर्टेंट सिटीज पढ़े थे, तो इसमें आता है इंपोर्टेंट सिटीज क्या क्या है, मसूरी आता है, क्या आता है, क्वीन ऑफ द माउंटेन्स, क्वीन ऑफ माउंटेन्स। फिर आता है नैनीताला, सिटी ऑफ लेक, ठीक है, फिर चलते हैं उत्तराखंड के एग्रीकल्चर पर, उत्तराखंड की एग्रीकल्चर पर,
एग्रीकल्चर में क्या आता है आपका मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट ऑफ सच एज राइस, क्या क्या मेजर क्रॉप्स है सबका जान लो, राइस है, वीट है, फिर मेज है, ऑयल सीड है, फ्रूट्स है, ये बहुत है, फिर पल्सेस है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्रॉप्स में आता है। और इसके बगल में ये आपका क्या आ जाएगा कि इंपोर्टेंट मिनरल्स, क्या क्या इंपोर्टेंट मिनरल्स कौन से स्टेट में मिलता है, कि देखते हैं कि इंपोर्टेंट मिनरल्स क्या है आपका। इंपोर्टेंट मिनरल्स है, इसको लिख के रखो, एस्बेस्टोस इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, हो गया, ब्राइट्स और मार्बल इन देहरादून, फिर आया कॉपर अल्मोर, डोलोमाइट, नैनताला, फिर ग्राफाइट, अल्मोर, जिप्सम, देहरादून, ठीक है। तो ये जिप्सम मैं आपको याद दिला दूं, अगर क्लास आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको एक और फैक्ट याद रहा होगा कि जिप्सम इंडिया गवर्नमेंट को बिहार स्टेट 95% सप्लाई करता है, हेड ऑफ दी जिप्सम हम बोल सकते हैं बिहार को, ठीक है। तो ये थे आपका तीसरा स्टेट उत्तराखंड का सेशन कंप्लीटेड है। उम्मीद है आप एक सेशन को एंजॉय भी किए होंगे, पर क्योंकि मैं आपको डिफरेंट वे में एक तरह का आपको जो एसएससी रेलवे में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिस प्रोवाइड मतलब जिस ग्राउंड से आपको आता है जिस सेशन से, उस पार्ट को आपको नोट्स बनाने के लिए हमने बोल दिया था और आप उम्मीद है कि बना रहे होगे और शेयर भी कर रहे होगे बहुत सारा, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लगे ये सेशन आप लाइक से कमेंट करिएगा और बहुत सारे लोगों को शेयर करिए जिसके पास ये पहुंच सके, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल नोटिफिकेशन आपके पास आने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर टूर ऑफ इंडिया का।